नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जो हम लोगों ने जीव विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ की थी, उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन दो पार्ट में अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और तीसरा पार्ट यानी कि 51 से 75 नंबर क्वेश्चन आज करते हैं। तो शुरू करते हैं, आज 51 नंबर क्वेश्चन है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह कौन है? तो विटामिन ए, बी, डी या के? तो विटामिन के इसका सही जवाब होगा। विटामिन के जो होता है, इसकी कमी से शरीर में खून का थक्का जो बनना होता है वो धीरे बनने लगता है। इससे क्या होता है, कटने पिटने पर कहीं भी वो रक्त लगातार बहता रहता है, और अगर ऑपरेशन वगैरह कराना हो तो आसानी से नहीं हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका आंसर भी विटामिन के होगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं? विटामिन डी टू, विटामिन डी थ्री, विटामिन बी ट्वेल्व या विटामिन बी सिक्स? इसका सही जवाब होगा विटामिन डी टू। विटामिन डी टू को आर्गो कैल्सिफेराल कहते हैं। यह मुख्य रूप से मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। विटामिन डी कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब होगा विटामिन डी टू यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यकृत में। और विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है? रिटिनॉल, इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या क्या है? दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? रेटिनॉल, ज्यूरोप्थेल्मिया, टोकोफेराल, बेरी बेरी, साइबनो, कोवालामीन, रक्ताल्पता या एर्गो कैल्सिफेराल रिकेट्स? तो इसका सही जवाब होगा टोकोफेराल। टोकोफेराल बेरी बेरी नहीं समझते, बेरी बेरी विटामिन बी कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? विटामिन बी वन संतरा से, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से या विटामिन के अल्फा अल्फा से? तो विटामिन बी वन से संतरा नहीं होता है, संतरा विटामिन सी से पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 56 के बाद 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर? तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर पाया जाता है ब्लड, जो शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेंसिलीन या टेट्रासाइक्लिन? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि एक क्या है, हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। हेपेटाइटिस बी का जो विषाणु होता है उसका उद्भवन काल कितना होता है? उसका उद्भवन काल होता है 30 दिन से 180 दिन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। HBV एक वायरस होता है जिसके कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है समतलाकार, गुंबदाकार, अभिलंबी या तिर्यक? तो निःश्वसन के समय डायफ्राम जो होता है, जिस पर फेफड़े टिके होते हैं, वो कैसा होता है, गुंबदाकार होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये वातावरण को प्रदूषित करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तेल, मरहम, डीडीटी या गैम्बूसिया? तो इसका आंसर होगा
गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली एक प्रकार की मछली होती है। इसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होता है संधिवात। संधिवात मतलब जोड़ों का दर्द, गुर्दे की विकृति, स्कर्वी या श्वसन तंत्र की बीमारी। विटामिन सी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग या रक्त अल्पता का नियंत्रण। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं रक्त आघान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी को अगर रक्त चढ़ाया जाए तो रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश 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 में संगीत होना चाहिए। यानी कि पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, इसके अलावा और क्या होना चाहिए सेम? तो उसके अलावा सेम होना चाहिए आरएच कारक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। लाल रक्तकणिका विहीन जंतु है ऐसा जंतु जिसमें लाल रक्तकणिकाएं नहीं पाई जाती। मेंढक, केचुआ, सर्प या मोर। इसका ऑप्शन होगा केचुआ। केचुआ में लाल रक्तकणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या एमीटर। तो इसका सही जवाब होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। इसकी सहायता से डॉक्टर हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नापते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 57वां क्वेश्चन छूट गया था, इस समय आ गया। आगे जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B1, B2, B6 या B12। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन डी। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है यानी किडनी से हमारे यहाँ औसत रक्त का प्रवाह होता है 1000 cc, 1200 cc, 200 cc या 500 cc। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 1200 cc। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर रचना, अर्धसूत्री विभाजन, आनुवंशिकी या समसूत्री विभाजन। तो इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 71। इंसुलिन क्या है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन होती है और एक प्रकार का हार्मोन भी होता है जो हमारे पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाओं में स्थित बीटा कोशिकाओं से निकलता है और रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि चीनी की मात्रा क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। इसका सही जवाब होगा इंसुलिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रिनलीन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन। इसका सही जवाब होगा ऑक्सीटोसिन। अंतिम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरॉन, एड्रिनलीन, थायरोक्सिन या इंसुलिन। इसका सही जवाब होगा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या मिली होती है? आयोडीन मिली होती है और इसका श्रावण कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। दोस्तों आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है, गले में सूजन हो जाती है। दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।